नमस्कार, मैं सुहानी जैन लुकवानी में आपका स्वागत करती हूँ। राजस्व मंत्री रामलाल जाट रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहे। जाट ने इस दौरान विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में शिरकत की। राजस्व मंत्री ने ग्राम पंचायत आरजिया में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की महिलाएं मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी दी जाएगी। जाट ने कहा कि राज्य सरकार कि इस पहल से प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल युग से जोड़ा जा सकेगा। वे निःशुल्क स्मार्टफोन एवं इंटरनेट से विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा सरकारी योजनाओं के बारे में भी सब जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन को महंगे इलाज से मुक्ति दिलाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आम जन को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है, साथ ही 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों की सिटी स्कैन, MRI स्कैन जैसी महंगी जाँचें भी निःशुल्क की जा रही है। इन ऐतिहासिक निर्णय से राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। ग्राम पंचायत आरजिया के ग्राम बदाली खेड़ा में देवनारायण के स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण, आरजिया के पिनारा मोहल्ले में नाली निर्माण, कीरखेड़ा में महादेव के स्थल पर हॉल निर्माण, आरजिया में गोविंदपुरा में शमशान में शेड निर्माण, ग्राम पंचायत पालड़ी में तेलीखेड़ा में कालबेलिया बस्ती के शमशान में 4 दीवारी निर्माण, ग्राम पालड़ी में बैरवा मोहल्ले में सीसी सड़क का निर्माण का शिलान्यास किया। आरजिया गांव के 16 बीघा गांव में स्कूल की 4 दीवारी का कार्य, आरजिया गांव में विभिन्न विकास कार्य, गोविंदपुरा में स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण कार्य, गोविंदपुरा में अधूरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने का कार्य, तेलीखेड़ा में अधूरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने का कार्य, गोविंदपुरा में देवनारायण स्कूल के पास विश्रांतित गृह का निर्माण कार्य, इंद्रपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, देवीखेड़ा में स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण कार्य, तसवारिया में गाडड़ी एवं बेरवा मोहल्ले में विकास कार्य, पालड़ी में तेजाजी के स्थान के पास विश्रांत गृह का निर्माण कार्य, पालड़ी में बालाजी मंदिर के पास विश्रांतित गृह का निर्माण कार्य, राजस्व ग्राम आरजिया में मास्टर प्लान रोड के सहारे नाले निर्माण का कार्य, ग्राम पंचायत आरजिया के ग्राम 16 बीघा में अंबालाल जाट के मकान से राम कुमार जाट के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। राजस्व मंत्री ने तसवारिया में 31/11 KV सब स्टेशन बिजली ग्रिड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, इस ग्रिड क्षेत्र के परिधि में आने वाले गांव ढाणी कस्बों में किसानों को लाभ मिलेगा और साथ ही बिजली भी समय पर सुचारू रूप से मिलेगी। इस ग्रिड की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी, घरों को पूरा वोल्टेज मिलेगा। कार्यक्रम में सुवर्णा उप प्रधान श्यामलाल गुज्जर, उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना, नगर विकास न्यास के OSD रजनी मादीवाल, नगर विकास न्यास अधीक्षण अभियंता विनीत कुमार सक्सेना, आरजी सरपंच पूर्णिमा कंवर, पालड़ी सरपंच गोपाल जाट, सुवर्णा विकास अधिकारी सपन गोदारा एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जो राजस्थान सरकार की योजना है, शानदार बजट मुख्यमंत्री ने दिया, उनकी जानकारी देना, प्लस जो काम हो रहे हैं उनको भी शिलान्यास या लोकार्पण करना, नए कामों का शिलान्यास करना, वो तमाम चीज़ें हैं। चंबल जैसी योजना घर घर पहुँचे, वो स्वर्णा पंचायत समिति बहुत पीछे है इस काम में। मांडल करड़ा हमने पिछली बार ही शुरुआत में फर्स्ट फेज में सेकेंड फेज में ले ली। अभी 1 तारीख को टेंडर है, जिससे किसी एरिया के गाँव जो बच्चे हैं उनको भी हर घर अच्छा शुद्ध पानी मिले, वो भी मैं देख रहा हूँ। प्लस पैरा फेरी में जो पट्टों की बरसों से मांग थी, आपने देखा हो कि कई लोग मकान बना के रह रहे हैं लेकिन उनको पट्टा नहीं है, लोन लेके कोई अपना आशियाना अच्छा बनाए। तो राजस्थान सरकार के मुखिया ने सब कमेटी बनाई, तो मुझे ही चेयरमैन रखा, हमने निर्णय किया, उसकी बदौलत आज पैरा फेरी तमाम राजस्थान के शहरों में, जो कच्ची बस्ती हो या पक्की बस्ती, जो बच्चे हुए लोग हैं उनके पट्टे सस्ते रुपए में पट्टे मिले। ये ग्राम पंचायत को हमने जमीन देने का भी किया, पट्टे भी यहाँ पे भी हमने इस पैरा फेरी में 600 साल से लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को पट्टे अब मिलेंगे जस्ट ही थोड़े दिन बाद। उसकी सर्वे भी हमने करवा दी, उसकी ज़मीन भी ट्रांसफ़र करवा दी। पैरा फेरी में जो डेवलपमेंट आज शहर का सारा विकास ग्रामीण एरिया में बट, मैं गाँव में जा रहा हूँ, कहीं मांग आ रही सड़क की, कहीं सामुदायिक भवन की, कहीं सराय, कहीं रोड, वो और बनाऊंगा ताकि इन लोगों को पूरा फायदा मिल सके। देखो, ये हमेशा मेरा दौरा था, अभी मंत्री बनने के बाद
व्यवस्था ज्यादा होती है। बाकी मेरा डेली हमेशा ही पहले कोई ना कोई गाँव में प्रोग्राम रहता है। ये तो आपको मंत्री बनने के बाद चकाचौंध गाड़ी घोड़े दिखते हैं, टीवी पर चलती ही प्रोग्राम पट्टियां चलती, इसलिए लगता है, इसलिए माहौल बनता है, जबकि हकीकत ही है। आज बिजली का ग्रिड का भी है, तो ये चीज़ें मैंने पहले काम की इस मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई है, इसी बदौलत आज मैं उसका लोकार्पण करने जा रहा हूँ। तो आज ये लोकार्पण इस वजह से हो पा रहा है, हमने विकास के काम किए। आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मैं भी मेरी जनता को कह रहा हूँ, जो मांगना मांगो, मेरे को लिख के दो, मैं अगले बजट में और तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। एकता दौड़ रेलवे स्टेशन गोलप्योर चौराहे होते हुए चित्रकूट धाम में संपन्न हुई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिले के सभी कार्यालय में प्रातः 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एकता रन में विद्यालय छात्र स्काउट गाइड हाथों में एकता का संदेश देती तख्तियां लेकर निकले। जिला कलेक्टर ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने और देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी प्रयत्न करने की शपथ दिलाई। शपथ अपने देश की एकता की भावना से ली गई है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। जिला कलेक्टर ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करवाया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अटूट निष्ठा, अद्भुत साहस और संगठन कौशल की क्षमता निराली थी। उन्होंने कहा, पटेल का जीवन अनुकरणीय रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि लोगों को राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए एकता रन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश गोयल, उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश गुज्जर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी योगेश चंद्र पारीक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बंसीलाल कीर सहित अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न क्लबों के पदाधिकारी, सदस्य तथा शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों या इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन भी किया गया। कारागृहों में राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में उपखंड स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रातः 7 बजे से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न क्लबों के पदाधिकारी, सदस्य तथा शहर के गणमान्य नागरिक को एकता दौड़ में भाग लिया। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की तिथि पर एकता रन का आयोजन किया गया और बाकी अन्य संस्था के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर कलेक्ट्रेट से स्टार्ट करके एकता रन नगर परिषद के ग्राउंड पर जगह रहेगी और इस एकता रन के माध्यम से मैसेज दिया जाना है बच्चों को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक बहुत ही अनुकरणीय जीवन रहा है, जिसमें हमें लीडरशिप, करेज और स्टेटमैनशिप के का मैसेज मिलता है। इस मैसेज को देने के लिए आज ये रन आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट ठीक है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती आज एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रही, जहां भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर आशीष मोदी व कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के पडेर की घटना को लेकर बैठक ली। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को पूर्ण जाँच करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला अत्याचार की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार, प्रशासन व महिला आयोग जागरूक है। हम प्रदेश में लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। पंडेर के मामले को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 2019 का मामला है, 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। भाजपा हमलावर के सवाल पर रियाज ने कहा कि यह मुद्दा पुराना है और भाजपा शासन में भी कई जगह घटनाएं हो रही है, वह उनको दिखता नहीं है। इसमें सरकार ने पहले भी कार्रवाई की थी और आज भी हम इसको गंभीरता से लेकर जाँच कर रहे हैं। महिला आयोग भी चाहता है कि जो अन्याय पहले हुआ था, वर्तमान में ऐसा अन्याय नहीं हो। मैंने आज कलेक्टर व SP से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली व प्रशासन से भी वार्ता की है। सरकार किसी भी क्रिमिनल को माफ नहीं करना चाहती है। मैं देखती हूँ बेचारे बेरोजगार बैठे हैं जो इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, 2019 के मसले को 2022 में 3 साल बाद में उठा रहे हैं और 25 लोगों की उस टाइम गिरफ्तारियां हुई थी वो उनको दिखा नहीं है,
मुद्दा उठाने के लिए, मुद्दे को जीवित रखने के लिए इस तरह की बात की मैं खिलाफत करती हूँ। अगर मुद्दा है, अगर सही है, आप किसी को भी कह सकते हैं, कार्यवाही होएगा। महिलाओं को हम हमेशा, महिला आयोग में आने के बाद में मैंने कहा कि आपको अधिकार है अपनी रक्षा करने की, आप आ जाइए ऑफिस में। ऑफिस नहीं आ पाते तो हम जिलों तक जा रहे हैं, कई जिलों में हमारी हो चुकी है जन सुनवाई। लोगों को आने के लिए कोई मना नहीं, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, एसपी कर रहे हैं, आईजी कर रहे हैं, डीजीपी कर रहे हैं, अधिकारी सारे लोग मदद कर रहे हैं। और बेरोजगारी तो है ही नहीं कि जाके कोई गड़े मुद्दों को उठा करके लेके आए। कार्यवाही जिस पे हो रही है उसके लिए आवाज गलत ढंग से उठाना तो मैं उसको सही नहीं मानती। पर मैं कहती महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप किसी के जिंदगी की अधिकार नहीं रखते, उनको खुद को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। एक लड़की को भी पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी सुविधाएं दी है सरकार ने, तो उनका फायदा उठाना चाहिए, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए। बच्चियों को भी, माता पिता को भी समझना चाहिए। अज्ञानता के चलते भी और कई कुरीतियां पनपती है, तो एक अवेयरनेस के लिए मैंने अभी कहा है कि महिला बाल विकास को भी उसमें रोल करना चाहिए। जितनी भी है जगह जगह जाना चाहिए, सेमिनार्स कंडक्ट होना चाहिए कि कुरीतियों के प्रति जागृत करना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ मोड़ो। ऐसी चीजें होना नहीं चाहिए समाज में, सभ्य समाज कभी इन चीजों को माफ नहीं करते। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास, 100 फीट रोड, मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, फुलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राष्ट्रपति पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धा आश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के दो हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वरवधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरनी महादेव रोड भिलवाड़ा। संपर्क सुख बद्रीवाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जय श्री कृष्णा संजय कॉलोनी चार बुजाजी मंदिर में 1101 कन्याओं को भोजन करवाया गया। कार्तिक महीने में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है कि कन्याओं को भोजन कराने का संकल्प लेकर और उनको भोजन प्रसादी कराकर बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। कार्तिक मास के महीने में संजय कॉलोनी माहेश्वरी महिला मंडल की सदस्यों ने तन मन धन से सेवा दी है और कन्याओं को भोजन कराकर तिलक लगाकर यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा भी दी गई है और सभी ने अपनी सेवाएं दी है और संकल्प भी करा है कि झूठा नहीं छोड़े। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष मधु लड्डा, मंडल अध्यक्षता अनिता नौलका, सचिव रेणु कोकटा, उपाध्यक्ष आशा डाड, कोषाध्यक्ष अनुपमा मंत्री, मधु बाहेड़िया, सुनीता जागेटिया, ललिता दाड, नीलम दरगढ़, मंजू झवर सभी सदस्य मौजूद थे। राजकीय कन्या महाविद्यालय मांडल जिला भीलवाड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. नेमीचंद कुमावत ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में छात्राओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। साथ ही मुख्य वक्ता के तौर पर विशेष व्याख्यान में छात्रों को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए प्रशंसनीय और प्रेरक कार्यों के बारे में रोचक उदाहरणों द्वारा राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर कुमावत ने खेड़ा संघर्ष, बारडोली आंदोलन आदि में सरदार पटेल की भूमिकाओं और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आजादी के बाद 562 देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय एकता का जो निर्माण किया उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि विश्व के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया। भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी की मृत्यु उपरांत सन 1993 में भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में समस्त CBI प्रहलाद पारीक, महावीर शर्मा, रामेश्वर लाल बाल्दी, गोपाल शर्मा, सुरेश पारीक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर के प्रधानाचार्य सलीमुल रहमान, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रताप नगर विद्यालय के प्रभारी एवं कार्यक्रम अधिकारी नंद किशोर जोशी एवं प्रताप नगर विद्यालय के कार्मिक शपथ ग्रहण में उपस्थित हुए। इस दौरान सभी कार्मिकों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। भीलवाड़ा ऑटोमोबाइल
टाइल्स मशीनरी डीलर्स एसोसिएशन का दीपावली पारिवारिक स्नेह मिलन रविवार को एक रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। सभी सदस्यों के परिवारों ने कार्यक्रम में एक दूसरों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थना के पश्चात बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिताओं में सभी सदस्यों ने खूब लुत्फ उठाया। साथ ही लगभग 200 सदस्यों का आपसी परिचय करवाया गया। महिलाओं द्वारा सभी का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजमोहन मंडोवरा, सचिव गौरांग पटेल, कोषाध्यक्ष नंद किशोर पूर्बिया ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं वरिष्ठ सदस्य संजय कोकटा, श्याम नंदवाना, हेमंत कोठारी, श्याम डाट, केदार जागेटिया, राजेंद्र बदादा, सुमित जागेटिया, राजेंद्र मानसिंगा, मनोहर कोठारी एवं संजय मुंदड़ा व कार्यकारिणी सदस्यों का सहयोग रहा। कार्यक्रम आयोजन हेतु राजेश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल एवं राजेश कर्णावत का विशेष सहयोग रहा। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा में संचालित माधव गौशाला परिसर स्थित सावलिया सेठ मंदिर में भगवान को आए दिन छप्पन भोग लग रहे हैं। बीती शाम मंदिर में छगन मगन सावलिया मंडलपुर की ओर से हलवाइयों द्वारा तैयार करवाकर 125 किलो मिठाई की झांकी सजाई गई। 121 दीपक से महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इससे पूर्व मंदिर में मंडल की ओर से भजनों की गंगा बहती रही। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, सावलिया सेठ दे दे मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे, राधा रानी दे जपो चले आएंगे बिहारी सहित सावरिया सेठ पर आधारित एक से बढ़कर एक भजन पेश कर उन्हें रिझाया गया। भजनों पर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मंदिर के पुजारी दीपक पाराशर एवं आनंद पाराशर ने भगवान सावरिया सेठ का भव्य श्रृंगार किया। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि श्याम सुंदर आशीष शिपापुर के सहयोग से लगाए गए छप्पन भोग के दौरान प्रस्तुत भजनों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया। व्यवस्थाओं में हेमंत, आशीष, अभिषेक, विपिन, तुषार, गणपतलाल सहितपुर के चीपा परिवार का पूरा सहयोग रहा। विनोद सोमाने की ओर से ठाकुर जी को रजत मुकुट एवं भवरलाल राकेश दरगढ़ की ओर से हनुमान जी की प्रतिमा के लिए रजत मुकुट भेंट किया गया। अजीत सिंह एवं सूरज सिंह का प्रसाद वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं में सराहनीय सहयोग रहा। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की विशेष बैठक 2 नवम्बर को सुबह 9 बजे माधव गौशाला में होगी। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम एवं सचिव सत्य प्रकाश गगड़ ने बताया कि बैठक में वर्ष भर हुए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और आगामी वर्षों में होने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। ब्रज सुंदर सोनी के बापूनगर आवास पर समरसत साहित्य सर्जन संस्थान की 847वीं काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन 20 वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल, राष्ट्रीय संयोजक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि एवं गीतकार आदेश्याम गर्ग अभिनव की अध्यक्षता तथा संस्थान के राष्ट्रीय संरक्षक रविकांत चानड्या के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। गोष्ठी का आगाज डॉक्टर अवधेश जौहरी ने सरस्वती वंदना और एक गजल से किया। श्याम सुंदर मधुप ने देवकी को जायो, गुलाबी मीरचंदानी ने राजचंदानी, राधेश्याम शर्मा ने हिंदी है भाषा मेरे देश की, रंजना चाहन ने पिया मन भारत की सैर करा दो, दिनेश दीवाने ने हृदय वेदी में सुहाता सुहाता, अरुण अजीब ने मेरा ईमान मेरे हाथ है, ओम उज्जवल ने मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, योगेश दादीश ने तेरी खुशबू को मैं जी रहा हूँ, अरुण अजीब ने मेरा ईमान मेरे हाथ है, ब्रज सुंदर सोनी ने हुस्न ढल गया गुरूर अभी बाकी है, रविकांत सनाढ़िया ने बिटियाए चहकती है घर आंगन में चिड़िया सी, मुकेश व्यास ने कहना चाहे सभी सुनने से सबको परहेज, राधेश्याम गर्ग अभिनव ने किसी ने कुरेदा है जख्मों को मेरे रचनाएं सुनाई, प्रेम सोनी, कृष्णा माहेश्वरी, शशि ओझा तथा रामनिवास सोनी ने भी कविताएं प्रस्तुत की। बालकों में योगीन दादी चमक सोनी को प्रस्तुतियां सराहनीय रही। गोष्ठी का संचालन ब्रज सुंदर सोनी ने किया। कवि गोष्ठी के बाद भीलवाड़ा इकाई की कार्यकारिणी का गठन कर संस्थान के राष्ट्रीय संरक्षक के अध्यक्ष ब्रज सुंदर सोनी, महामंत्री ओम उज्जवल तथा कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर मथुप के नामों की घोषणा की। दीपावली के पावन पर्व पर हम अपनी ओर से एक एक दीपक जलाकर सेवा कार्य से सभी को जोड़े और सभी के घर रोशन हो, ऐसा सफल प्रयास करना ही हमारी सनातन संस्कृति है। ऐसे आशीर्वचन हरि सेवा सनातन आश्रम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हंसराम उदासी ने भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से पाथे भवन में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में कहे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की गतिविधियों में तन मन धन व वाणी से जुड़कर सहयोग करे एवं जयपुर को प्रमुख सेवा केंद्र बनाए। कार्यक्रम में समाज के उच्च अधिकारियों, भामाशाह, प्रबुद्धजनों, वकीलों के साथ पंचायत के मुखियों ने भाग लिया। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने बताया कि न्यास द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक व प्रवासियों के आवास व्यवस्था हेतु राजधानी में 11 बीघा के भूखंड पर इन गतिविधियों के संचालन की परिकल्पना को सभी के सहयोग से पूरा करना है, जहाँ भाषा साहित्य के साथ संस्कार केंद्र तैयार होगा।
राष्ट्रीय मनी महेंद्र कुमार तिर्थानी ने सभा 1969 से देश भर में भाषा संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। सिंध के गौरवमय इतिहास की चर्चा के साथ सिंध मिलकर अखंड बनने तक गर्व महसूस कराना व भारत सरकार द्वारा सिंधी भाषा के विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों पर जानकारी दी। समारोह में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुरेशा कृष्णानी, शैली कृष्णानी व पुष्पा सत्यानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में विचार प्रकट करते हुए कहा कि युवाओं का शिक्षण में सहकार कर आगे बढ़ाना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।